तो दोस्तों, आज मैं द लॉ कैफे के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत किम जंग से होती है, जो ये बताना शुरू करता है कि वो आखिर यूरी को कब से पसंद करता है। वो बताता है कि स्कूल के टाइम वो काफी एरोगेंट था, जिसकी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था, पर सब बदल गया जब वो यूरी से मिला। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किम जंग ने यूरी के स्कूल में एडमिशन लिया था और उसका स्कूल में पहला दिन था। बस में वो पहली बार यूरी को देखता है। वो अकेली ऐसी स्टूडेंट थी जो बस में पढ़ती जा रही थी। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। किम जंग ने मैथ्स में टॉप किया था, जिसकी वजह से यूरी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। यूजुअली उसके हाईएस्ट मार्क्स आते थे। वो अचानक से उठकर किम जंग के पास आकर बैठती है। ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाएगी या लड़ेगी, पर वो एक पेपर निकालती है जिसमें मैथ्स का एक प्रॉब्लम था और किम जंग से कहती है कि उसे आंसर समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज एक्सप्लेन कर दो। वो बदले में एक चॉकलेट भी ऑफर करती है, जिससे किम जंग स्माइल करता है। उस दिन से ही उसके लिए सब शुरू हुआ। उस दिन से ही उसे यूरी पसंद आ गई। किम जंग कहता है कि उसे 17 सालों से यूरी पे क्रश है। वो उसे हर जगह दिखती है, कभी सो के उठने पे अपने बगल में, तो कभी साथ में ब्रश करते हुए। पर दूर रहना पीसफुल और सेफ था, क्योंकि इस तरह वो लोग एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। किम जंग बैठा ये सब सोच ही रहा था कि यूरी वहाँ आ जाती है। यूरी ने किम जंग के बनाए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया था और अब इसके हिसाब से वो उसे तभी टेक्स्ट करेगी जब कोई जरूरी काम रहे। कभी वो मिल जाए तो उसे इग्नोर करेगी और टेरेस पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी बात सुनकर किम जंग समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसने तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया था ये सोचकर कि यूरी मानेगी नहीं, पर वो तो सारे रूल्स मान गई, तो अब तो उसे स्पेस रेंट पे देना ही होगा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इधर हम देखते हैं कि यूरी एक लड़की को हायर करने के लिए इंटरव्यू ले रही थी। वो लड़का एक लॉ स्कूल अटेंड कर रहा था और कुछ समय का टाइम ऑफ ले रखा था। यूरी उसे बताती है कि ये कोई लॉ ऑफिस नहीं है, बल्कि लॉ कैफे है, पर वो लड़का फिर भी इंटरेस्टेड था। तभी वहाँ किम जंग आता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यूरी तो किम जंग से बिना वजह नहीं मिल सकती, पर वो कभी भी आ सकता था। किम जंग नए लड़के का रिज्यूमे देखकर क्वेश्चंस पूछने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों काम करना चाहते हो, किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करो। तो यूरी गुस्सा के जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम मेरे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो पोटेंशियल एम्प्लॉयज से क्वेश्चंस पूछ सकता है, पर यूरी तुरंत उसे हायर कर लेती है ताकि किम जंग को क्वेश्चंस पूछने का चांस ही ना मिल सके। किम जंग फिर यूरी को समझाने लगता है कि तुम किन चक्करों में पड़ रही हो, तुम्हें तो कॉफी बीन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम कैसे चलाओगी कैफे। वो बोल ही रहा था कि उसे बहुत अच्छी कॉफी की खुशबू आती है। वो देखता है कि यूरी ने एक बरिस्टा हायर किया हुआ था, तो बहुत अच्छी कॉफी बना रहा था। ये देखकर किम जंग हैरान होता है और इम्प्रेस्ड भी। बातों बातों में पता लगता है कि बरिस्टा ने जेल में कॉफी बनाना सीखा था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। ये सुनकर किम जंग शॉक्ड रह जाता है और यूरी को साइड ले जाकर उसका मन बदलने की कोशिश करता है। दोनों लॉज बता बता कर बहस करते हैं और फिर यूरी बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे किम जंग बिल्कुल शांति हो जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां यूरी अपने कैफे में कर्टन्स लगा रही थी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो इग्नोर करके अपने काम में लगी रहती है, पर आवाज तेज हो जाती है तो वो थोड़ा डरती है। उसे अपने ब्रोकर से हुई बात याद आती है कि जब उसने बताया था कि इस स्पेस को पहले जो यूज करता था उसे भूत दिखाई पड़ा था और इसलिए वो भाग गया था। उस समय तो यूरी ने बात मजाक में लिया था और कहा था कि वो भूत में विश्वास नहीं करती, पर अब उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो भाग के किम जंग के डॉक्टर दोस्त के पास पहुंचती है, जिसका मेंटल क्लिनिक भी उसी बिल्डिंग में था, और उसे आवाजों के बारे में बताती है। वो बताता है कि उसने तो आवाजें नहीं सुनी और वैसे भी कैफे के ऊपर का स्पेस तो खाली है। ये सुनकर यूरी और परेशान हो जाती है कि फिर आवाज आ कहां से रही है। यूरी जाकर कैफे के ऊपर वाला स्पेस चेक करती है तो वो सच में खाली था, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो घर जाएगी। कैफे जाकर वो लाइट ऑफ करती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई है वहाँ पर। पलटती है तो देखती है कि एक आदमी हथौड़ा लेकर खड़ा था। वो डर के जोर से चिल्लाती है। किम जंग यूरी की चीख सुनता है और भागता हुआ आकर उस आदमी को पीछे से पकड़कर मारने लगता है। दोनों फाइट करने लगते हैं तो यूरी उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि इस आदमी को तो उसने किम जंग के दोस्त के क्लिनिक पे देखा था।
पता चलता है कि उस आदमी ने यूरी की बात सुनी थी कि वो लॉ कैफे चलाती है, इसलिए वो लीगल एडवाइस लेने आया था। उसे इशू था कि उसके ऊपर वाले घर से बहुत शोर होता था, जिसकी वजह से वो 3 दिन से सो नहीं पाया था। यूरी उसकी बात सुनकर उसे थोड़ा एडवाइस देती है, फिर देखती है कि किम जंग अपना पीठ पकड़कर बैठा है, जैसे वो दर्द में हो। ये देखकर वो उस आदमी को भेज देती है बोलकर कि कल बात करेंगे, और जल्दी से किम जंग को देखने लगती है कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है। यूरी उसे पकड़कर ले जाने लगती है तो वो उछल जाता है और कहता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। यूरी चिल्ला के कहती है कि इतनी दिक्कत है तो तुम भी टच कर लो। दोनों में फिर थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। यूरी उसे उसके घर तक लाती है और बेड पे बिठाती है। कुछ लेने के लिए वो कबर्ड खोलती है और हमें झलक दिखती है कि अंदर कुछ पेपर के क्लिप चिपकाए हुए हैं, पर यूरी देखती उससे पहले किम जंग दौड़कर आकर बंद कर देता है। उस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। यूरी को लगता है वो लोग किस करने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर किम जंग को थोड़ी हंसी आती है, क्योंकि उसका वैसा इंटेंशन था ही नहीं। यूरी थोड़ा एम्बैरेस होती है और फिर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब किम जंग सोकर उठता है तो उसके डोर के बाहर एक बैग था, जिसमें कुछ दवाइयाँ और खाने का डब्बा था। साथ में एक नोट था जिसमें यूरी ने उसे खाना खाने को कहा था। किम जंग खाना खाने बैठता है पर वो खा ही नहीं पाता, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी के कैफे का पहला दिन था और वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने कस्टमर्स का वेट कर रही थी। किम जंग अपने रेंटर्स के साथ बैठकर बाहर से देख रहा था, तभी वो अपने दोस्त डॉक्टर पार्क को कैफे में जाते देखता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर पार्क यूरी से मिलकर अपने पेशेंट की तरफ से माफी मांगता है। यूरी उसे नॉइज मीटर दिखाकर बताती है कि वो उस पेशेंट के घर जाकर चेक करेगी कि शोर कितना होता है और उस हिसाब से फिर उसे एडवाइस देगी। ये सुनकर डॉक्टर भी साथ चलने की बात कहता है। तभी किम जंग वहाँ पहुँचता है और यूरी को समझाता है कि वो उस हथौड़े वाले आदमी से ना मिले, पर यूरी उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। रात में किम जंग कैफे के बाहर ही बैठकर वेट कर रहा था, और जैसे ही यूरी डॉक्टर पार्क के साथ निकलती है पेशेंट के पास जाने के लिए, वो भी पहुंच जाता है और साथ चलने को बोलता है, ये कहते हुए कि जब वो प्रोसिक्यूटर था उसने बहुत से नॉइस कंप्लेंट्स वाले केसेस पे काम किया है और इसलिए वो हेल्प कर सकता है। रास्ते में यूरी को पता चलता है कि किम जंग और डॉक्टर पार्क बस दोस्त नहीं है बल्कि कजिन्स भी हैं। तीनों फिर उस पेशेंट के घर पहुंचते हैं और वहां की हालत देखते रह जाते हैं। वहां नॉइस प्रूफ पैनल्स लगे थे और जगह जगह हथौड़े के निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि शोर सुनकर वो आदमी हथौड़े से दीवार पे पीटता था। यूरी नॉइस मीटर पे चेक करती है तो जितना एक्सेप्टेबल है उससे कहीं ज्यादा नॉइस था। यूरी उसे एडवाइस देती है कि वो लीगल कंप्लेन दे रिटन में, उसमें अपना मेडिकल डायग्नोसिस भी अटैच करे कि वो सो नहीं पाता, और कंपेंसेशन की मांग करे। वहाँ से लौटने पे यूरी किम जंग की राय पूछती है। पहले तो वो नहीं बोल रहा था, फिर बोलता है कि वहाँ से निकलते समय उसने देखा था कि उस पेशेंट के ऊपर वाले फ्लैट्स की लाइट्स ऑफ है, मतलब शोर वहाँ से नहीं आ रहा था। उस आदमी को खुद पता नहीं है कि शोर कहाँ से आ रहा, और ऐसे में यूरी ने एक ऐसे सनकी आदमी को इनकरेज कर दिया है जो हथौड़ा लेकर घूमता है। ये सुनकर यूरी सोचने लगती है। यूरी के अंदर जाने के बाद किम जंग पार्क से कहता है कि वो यूरी को पसंद ना करने लगे, और कहता है कि हम उसके दोस्त को वर्कर या पड़ोसी कुछ भी नहीं रह सकते, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए उसी रीजन से जिसे मैं उससे दूर रहता हूँ। यूरी अपने कैफे में बैठ के उसी आदमी और किम जंग की बात के बारे में सोच रही थी, तभी उसे कुछ कस्टमर्स की बात सुनाई देती है जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे और शोर के बारे में बात कर रहे थे। यूरी उन औरतों के साथ उनके अपार्टमेंट जाती है। वहाँ शोर तो बहुत था, पर दिक्कत ये थी कि पता नहीं चल रहा था कि शोर किधर से आ रहा है। उनसे यूरी को ये भी पता चलता है कि उस आदमी के ऊपर वाले फ्लैट में तो कोई भी नहीं रहता था। यूरी फिर एक दूसरे आदमी से मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उन अपार्टमेंट्स में साउंड प्रूफिंग किया ही नहीं था। लौटते हुए वो उन अपार्टमेंट्स के कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम देखती है तो नाम था दोहान कंस्ट्रक्शन। ये नाम देखकर यूरी पैनिक करने लगती है और रोड पे ही बैठ जाती है। ये कंपनी वही है जो उसके डैड के केस में इन्वॉल्व था। यूरी फिर उस पेशेंट से मिलकर उसे बताती है कि उसके फ्लैट के ऊपर तो कोई नहीं रहता, पर वो चाहे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे केस कर सकता है। वो उसे सोचने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद यूरी को फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, तो वो जल्दी से किम जंग को मैसेज करके बुलाती है। बातों बातों में वो ये भी बताती है कि इस केस में दोहान कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। किम जंग को उसके डैड के केस के बारे में पता था, तो वो उसे समझाता है कि वो इतना पर्सनल ना हो, और दोनों की बहस हो जाती है।
किम जंग फिर याद करता है कि जब यूरी दोहान कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट केस हार गई थी तो अपने लॉयर पे बहुत चिल्लाकर हेल्प मांग रही थी। उस समय यूरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर हम फ्लैशबैक सीन तब का देखते हैं जब किम जंग एक प्रोसिक्यूटर था। एक बार वो अपने डैड के ऑफिस में घुसकर उन पे यूरी के डैड का केस खराब करने का ब्लेम लगाता है। उस समय हमें ये पता चलता है कि किम जंग के डैड यूरी के लॉयर थे। उनके बाद से पता लगता है कि किम जंग के डैड ने उस समय यूरी के केस का इन्वेस्टिगेशन बंद करा के केस क्लोज कर दिया था, और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दोहान फैमिली के सन इन लॉ है। किम जंग की मॉम ने दोहान फैमिली से शादी के बाद सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, पर वो किसी कारण से अब भी दोहान फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अपने डैड से डिसअपॉइंट होकर किम जंग ने उस दिन से जॉब छोड़ दिया था और डिसाइड किया था कि वो यूरी से दूर रहेगा, क्योंकि ये जानने के बाद वो उसे फेस नहीं करना चाहता था। घर में जब किम जंग अपना कबर्ड खोलता है तो हम देखते हैं कि वो अब भी दोहान फैमिली के बारे में रिसर्च कर रहा है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। तभी पार्क किम जंग को कॉल करके बताता है कि वो आदमी उसका पेशेंट अपार्टमेंट के छत पे है और कूद सकता है। ये सुनके वो भागता हुआ वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो आदमी खुद को आग लगाने के सोच रहा था। यूरी भी वहाँ पहुँचती है और सब कुछ देख रही थी। किम जंग उस आदमी को बहुत समझाता है कि वो उसके साथ मिलकर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के अगेंस्ट लड़ेगा ताकि वो लोग कभी फिर ऐसा अपार्टमेंट ना बना पाए। बहुत समझाने पे वो आदमी फाइनली नीचे उतरता है। किम जंग फिर यूरी को देखकर उसकी तरफ जाता है और उसे उसका कार्डिगन अच्छे से पहनाता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।